उधर पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली के मजनू का टीला पर पूजा हवन करके पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया। इस दौरान हिंदू शरणार्थियों ने पीएम मोदी से अपील की कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द भारत का नागरिक घोषित करें ताकि उन्हें नागरिकता मिल सके। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने शरणार्थियों से बात की है, ऐसे में शरणार्थियों ने क्या कुछ कहा है सुनवाएंगे आपको। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मजनू का टीला, जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का ये कैंप है, वहाँ पर भी ये जन्मदिन जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यज्ञ हवन का कार्यक्रम है वो आहूत किया गया, प्रधानमंत्री की लंबी आयु की प्रार्थना यहाँ पे की जा रही है और भारी संख्या में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आज क्या मन्नत आपने मांगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या, क्योंकि उनका तो जन्मदिन है, आप रिटर्न गिफ्ट आप लोग मांग रहे हैं। सबसे पहले हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो सिंध पाकिस्तान से आए हुए हैं उनके तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सदा ही अपने धर्म के लिए, अपने यज्ञ के लिए, अपना जैसे भी भारत माता का धर्म बचे, आगे देश बढ़े, उनके लिए जो काम कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम एक बात अपने इस जन्म मौके पर कहना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि जो सिंध प्रांत से पीड़ित होकर आए हुए हैं परिवार, शरणार्थी परिवार बहुत ही दुख झेल रहे हैं, आज भी उस व्यवस्था में है जो व्यवस्था पाकिस्तान में थी। लेकिन हम आज उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो नागरिकता का जो बिल है, नागरिकता जो हमारे परिवार अधूरे पड़े हैं, उनको नागरिकता देने की कृपा करें ताकि इनका भी छुटकारा हो जाए, ये बहुत ही परेशान है। नागरिकता देने की बात हो रही है, आप क्या अपील करें? देखो, हम तो धन्यवाद मोदी जी का कर रहे हैं और जो इस हवन का कारण ये है कि मोदी हजारों साल जिए, संस्कृति बची रहे, सनातन धर्म नारा हो जाए आप लोग, जय भारत माता की। संदेश यही देंगे कि कोशिश करेंगे इनको ठीक करने की, प्लस जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहना हमने। इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन को लेकर है, शिक्षा को लेकर के, उसमें किस तरीके से आप लोग सहभागिता निभाएंगे? अब हम बात करते हैं इनके जो प्रधान जी हैं उनसे, देखते हैं कि कोशिश करते हैं हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, वो कोशिश जरूर करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।